एक्सबॉक्स वीडियो गेम्स जैसे इनपुट माइक्रोसॉफ्ट जैसे आउटपुट केबल्स एक्सबॉक्स वीडियो गेम सिस्टम 110 वोल्टेज नो इसे गिव टू पावर एंड 220 दिस इज बर्निंग इनसाइड। चलिए इसको ओपन करते हैं। 4 सीक्रू 1 2 3। इसमें प्रॉब्लम हो गई थी, ये इसकी हार्ड डिस्क है और सॉलिड स्टेट रोम है इसकी। इसमें प्रॉब्लम ये हुई थी कि ये 110 इन्होंने 220 लगा दी थी, इसीलिए इसका पावर कार्ड की प्रॉब्लम हो गई थी। तो यही है इसका हार्ड डिस्क और सीडी रोम। ये एक्स बॉक्स है, ये माइक्रोसॉफ्टवेयर वालों का। तो अभी इसको चेक करते हैं क्या इसमें प्रॉब्लम हुई है, इसका कार्ड उड़ गया है, आईसी वगैरह या कोई ऐसे कैपेसिटर वगैरह, या हो सकता है फ्यूज़ भी उड़ गया हो। पर 110 पे 220 दी जाए तो फ्यूज़ भी तो उड़ता है, आगे भी सप्लाई उड़ जाती है। चलिए इसको फिर ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसका पावर कार्ड को। अब इसको पावर कार्ड ओपन कर रहे हैं, ये इसका पावर कार्ड है। तो इसके इनपुट के साथ ही ना, जो इसकी साकेट लगी हुई तो उसके साथ एक फ्यूज़ लगा होता है, वो हम चेक करते हैं, हो सकता है उसकी प्रॉब्लम भी हो। पहली तो कोई नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पर इसका फ्यूज़ लगा हुआ है ये वाला। उम्मीद है ये फ्यूज़ 3.5 का होता है, 3.5 एम्पियर का लगा होता है, तो यही उड़ सकता है। आगे फिर साथ साथ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें, कोशिश करते हैं इसको फ्यूज़ को निकालने की। तो अब इसको फ्यूज़ निकालते हैं बाहर, मीटर से पहले टेस्ट करते हैं क्या इसका फ्यूज़ काम करता है नहीं करता, कंटिन्यूसली चेक करेंगे इसको। बिल्कुल साकेट के साथ ही लगा होता है इसका फ्यूज़, तो फ्यूज़ की प्रॉब्लम भी हो सकती है या इसका कैपेसिटर भी उड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर 200 का कैपेसिटर लगा हुआ है इसके साथ। दो कैपेसिटर जारी तौर तो फूला तो नहीं है, उड़ा तो नहीं है, देखा है ये या काम नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। उसकी फ्यूज़ को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे लगा हुआ इसका फ्यूज़, उड़ा हुआ है फ्यूज़, तो फ्यूज़ लगा के आगे चेक करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। जारी तौर तो कोई नज़र तो नहीं आ रहा, अभी इनपुट सप्लाई इसकी पावर ऑन ही नहीं हो रही, अभी इसका फ्यूज़ निकाला है मैंने, अभी इसको चेक करते हैं। इस पावर कंटिन्यूटी साउंड से चेक कर लेते हैं, फ्यूज थोड़ा हुआ है, नॉट साउंड, फ्यूज थोड़ा हुआ है, कंटिन्यूटी बता रहे नहीं रहा। अब इसको प्रेस करके दूसरा लगाते हैं साथ ही। आई हैव ऑलरेडी दिस हियर, चेक करो फ्यूज है कि नहीं है, मे बी इज इज फ्यूज इज प्रॉब्लम, नेक्स्ट चेक अगेन। करा लड़का फ्यूज है मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी इसको लगाया मैंने, अभी इसको पावर ऑन तो हो गई है। हाँ सीडी रोम अभी ओपन करते हैं, क्योंकि सीडी रोम भी ओपन हो गई है इसकी, बिल्कुल सही हो गया। तो ये इसमें प्रॉब्लम थी, अभी ये काम करना शुरू कर दिया, बस इस थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है गार्ड में, आगे कैपेसिटर वगैरह तो नहीं उड़ा इसका, बाकी सब क्लियर है इसका। इंशाल्लाह ये अभी इसको सॉल्व करते हैं, काम तो हमारा एंड हो गया इसका, बस फ्यूज़ की वजह से ये ऑन नहीं हो रही थी, इसलिए 220 इसको दे के चला रहे थे, गलती की वजह से हो गया। मेरी वीडियो आपको पसंद आई, ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।